सो मैंने आपको पहले भी फेजिंग में दिखाया कि हमारे पास जो होता है फेजिंग में, कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी एक प्रोजेक्ट है तो वो पहले कैसा दिखता है और बाद में कैसा दिखता है। सो लेट्स जस्ट टेक, मैं भी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सो एज यू कैन सी, इसमें जितनी भी ये आपको इधर वाली पार्ट्स दिख रही है, जो भी आपको ग्रे पार्ट दिख रही है, ये सब हमारी ओल्ड वाली बिल्डिंग है, मतलब जो पहले से हमारे पास थी। और ये जो भी आपको यहाँ पे ब्राउन कलर में दिख रही है, ये सब हमारी न्यू जो हमने बनाया कि क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। सो एग्जिस्टिंग में ये बिल्डिंग कुछ इस तरह से दिखती थी, ओके। एंड हमने जो उसके बाद इस पे बनाया है, जो जो हटाकर, सो दिस होल पार्ट वॉज डिमोलिश्ड। यहाँ पे भी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आई थिंक इट वॉज समथिंग अबाउट 10 मीटर जो कि डिमोलिश हो गया। एंड देन वी क्रिएटेड एन एक्सटेंशन ऑफ 6 मीटर फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, और आई थिंक 4.5 मीटर। सो इस तरह से हमारी यहाँ पे फेजिंग काम करती है। सो एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ येलो येलो लाइन्स दिख रही होंगी, यहाँ पे हमारा जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमारा एक डोर हुआ करता था पहले, जिसे हमने डिमोलिश कर दिया न्यू कंस्ट्रक्शन में। सो आज हम जो देखने वाले हैं वो है कुछ इस तरह का, जैसे कि ये हमारे पास प्लान है, बट अगर हम यहाँ पे अगर अपनी डेमो प्लान में जाएँ तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जितना भी हमारे पास ब्राउन पार्ट है, ओके, दिस ब्राउन पार्ट एंड दिस येलो पार्ट, सो दिस ब्राउन पार्ट इज़ न्यू कंस्ट्रक्शन हेयर, ठीक है। आज हम यही सब देखेंगे कि ये कैसे करते हैं। एंड देन दिस, ये जो आपको यहाँ पे येलो में दिख रहा है, दैट इज़ द डिमोलिश पार्ट। सो इन सभी चीज़ों को हमने डिमोलिश किया है। सो वी विल सी कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं। सो एज यू कैन सी, अगर हम अगर कोई एक न्यू प्रोजेक्ट खोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चुरल मेट्रिक टेम्पलेट खोला है अपना, ओके। एंड इस टेम्पलेट में अगर आप देखें तो हमारे पास फ्लोर प्लान है, सीलिंग प्लान है, एलिवेशन है, एंड लेजेंड है, एंड देन सीट्स है, ठीक है। सीट्स में हमारे पास अभी कुछ है नहीं क्योंकि हमने अभी शीट बनाई नहीं। सो अगर आप न्यू टेम्पलेट खोलते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो हमारे पास व्यू है एंड देन ऑल है, ठीक है। और अगर मैं अपनी पुरानी प्रोजेक्ट पर जाऊँ तो ये देखिए, आप यहाँ पे हमारे पास एक एग्जिस्टिंग बना हुआ है एंड देन वी हैव द न्यू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे व्यूज़ में देखें तो यहाँ पे हमारे पास व्यूज़ में ऑल है और यहाँ पे हमारे पास व्यूज में फेजेस है, ठीक है। तो हमें जो काम करना होता है वो फेजेस पर करना होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को काट देता हूँ, ओके, आई डोंट वांट टू सेव इट, ओके। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे हम जो प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाते हैं, एंड इफ़ यू राइट क्लिक ओवर हियर यू विल सी अ ब्राउजर ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन, ठीक है। आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं, नाउ यू विल सी ए फ्यू ऑफ द ऑप्शन, दैट इज डिसिप्लिन, नॉट ऑन शीट, फेज एंड डिसिप्लिन, ठीक है। हमें जो जिस पे काम करना है वो है फेजेस। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट माई फेज एंड देन अप्लाई, एंड ये सब अभी हमारे काम की नहीं है। सो जस्ट सेलेक्ट द फेस, ओके। यू कैन इवन नेम इट, अगर आपको कुछ नया चाहिए तो आप यहाँ पे नेम कर सकते हैं इसे, या अपने हिसाब से इसे एडिट और रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। बट आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग राइट नाउ, वी जस्ट वॉन्ट टू ओपन अ फेस, ठीक है। एंड देन जस्ट ओपन इट, अप्लाई इट एंड प्रेस ओके। एंड आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन आ गई है, एंड हमें जो काम करना होता है वो एग्जिस्टिंग में करना होता है एंड देन न्यू कंस्ट्रक्शन में करना होता है। सो वी नीड टू फेजेस, एंड यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही है जो कि न्यू कंस्ट्रक्शन है। सो अगर हम यहाँ पे, ये जो हमारी लेवल वन है, अगर आप इसे देखें, और अगर आप अपनी प्रॉपर्टीज़ में हैं, ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज़ में अगर आप नीचे जाएंगे तो ये देखें, ये जो हमारा लेवल वन है, ये अभी हमारे कौन सा फेज़ में है, वो है न्यू कंस्ट्रक्शन फेज़ में। और इसमें ये वाली जो पार्ट है, ये मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में, पहले ये देख रहे। सो अभी ये जो हमारी पार्ट है ये न्यू कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, लेवल वन एंड फेस न्यू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे देन यू विल गेट टू ऑप्शन, दैट इज़ वन इज एग्जिस्टिंग एंड सेकेंड वन इज़ न्यू कंस्ट्रक्शन। अभी न्यू कंस्ट्रक्शन में है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ न्यू कंस्ट्रक्शन है, बट अगर हम जैसे यहाँ पे एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करते हैं, ओके, आई विल जस्ट सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग एंड अपने माउस को मैं जैसे यहाँ से बाहर लाऊंगा, ये देखें हमारे पास एग्जिस्टिंग की एक फ्लोर लेवल बन चुकी है, ठीक है। एंड न्यू कंस्ट्रक्शन में हमारे पास लेवल टू है। पहले यहाँ पे अगर मैं अंडू करूँ इसे तो ये देखिए, हमारे पास पहले था लेवल वन लेवल टू इन न्यू कंस्ट्रक्शन। अब हमने क्या किया, लेवल वन को सेलेक्ट किया, यू कैन इवन सेलेक्ट बोथ ऑफ द लेवल वो एट वंस एंड यू कैन पुट इट इन एग्जिस्टिंग फेस। और ये देखिए हमारे पास जो न्यू कंस्ट्रक्शन में जो भी चीज़ें थी वो आ चुकी हैं एग्जिस्टिंग में, ठीक है। आप अगर इसे बैक लाना चाहते हैं देन जस्ट सेलेक्ट दिस बोथ, हम ये एग्जिस्टिंग फेस में जस्ट सेलेक्ट दिस बोथ एंड
हमने यहाँ पे इसे न्यू कंस्ट्रक्शन में डाल दिया। नाउ यू कैन सी कि हमारी जो एग्जिस्टिंग वाली फेस थी वो गायब हो चुकी है, ठीक है। सो यू एटलीस्ट नीड वन प्लान यहाँ पे, ताकि मतलब आपको एग्जिस्टिंग शो हो। तो मैं अभी सिर्फ लेवल वन को एग्जिस्टिंग में डाल देता हूँ, ठीक है। एग्जिस्टिंग में डालने के बाद अगर हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक के यहाँ पे एक वॉल बनाई है, ठीक है। ये हमारे पास वॉल है, एंड इस वॉल को अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसे डिमोलिश करना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि मतलब ये न्यू कंस्ट्रक्शन फेज में नहीं दिखना चाहिए, देन यू हैव टू ऑप्शन। इधर यू कैन जस्ट डिमोलिश इट हेयर, अगर आप यहाँ पे इसे डिमोलिश करेंगे, ये एग्जिस्टिंग फेज में बना हुआ है, ठीक है। ये वॉल अगर आप इस वॉल की प्रॉपर्टी चेक करें, इस वॉल को मैंने सेलेक्ट किया, गो टू प्रॉपर्टी, एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेज क्रिएटेड एग्जिस्टिंग एंड फेज डिमोलिश नन, ठीक है। आप अगर इसे डिमोलिश करना चाहते हैं, देन वी हैव दिस बटन ओवर हियर जो कि एक हथौड़ी की तरह है, दैट्स अ हैमर, ठीक है। आप इसे क्लिक करें एंड इफ यू विल डिमोलिश, ये टेम्पररी बन जाएगा, ठीक है। दिस इज अ टेम्पररी फाइल, क्योंकि हमने इसे एग्जिस्टिंग में बनाया है एंड एग्जिस्टिंग में ही इसे तोड़ दिया है, ठीक है। तो ये टेम्पररी हो जाती है। एंड अगर आप इसे सेलेक्ट करें, एंड अगर आप यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करें फेज डिमोलिश न्यू कंस्ट्रक्शन, नाउ यू कैन सी कि अगर हमारी जो फ्लोर प्लान है अभी ये है हमारे पास एग्जिस्टिंग में, अगर हम इसे डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे कुछ भी बना लेते हैं, मान लें ऐसे कुछ मैं बना लेता हूँ, एक छोटी सी प्लान बना लेता हूँ, ओके। ओके, दिस इज अवर स्मॉल प्लान अभी के लिए मान लेते हैं इसे। एंड मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो वॉल है और यहाँ से ये आधी वॉल है, ये पार्ट हमारी टूट जाए, और यहाँ पे मैं कुछ डोर विंडोज ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक दो दो और यहाँ पे कुछ डोर ऐड कर दिया। नाउ आई वॉन्ट कि ये वाली जो पार्ट है हमारे पास ये ओपन हो जाए, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पार्ट को डिमोलिश करना होगा, ठीक है, इस पार्ट को और इसके हाफ पार्ट को। तो हमने यहाँ पे इसे डिमोलिश कर दिया। नाउ यू कैन सी कि हम जैसे ही किसी चीज़ को डिमोलिश कर रहे हैं, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इस फेस, एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास डिमोलिश फेज एग्जिस्टिंग है। हमें इसे डिमोलिश कहाँ करना है, न्यू कंस्ट्रक्शन में, जो हमारे पास पहले से बनी हुई है उसे हमें नहीं तोड़ना है, हमें कहाँ इसे तोड़ना है, न्यू कंस्ट्रक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इसे डुप्लीकेट करेंगे एंड डुप्लीकेटेड विद डिटेलिंग, हमने यहाँ डुप्लीकेट किया इसे। एंड नाउ यू कैन सी मैं इसका नाम रख देता हूँ, यू कैन से इट एज लेवल वन न्यू और लेवल वन डेमो, यू हैव बोथ दी ऑप्शन, डेमो भी हम रख सकते हैं इसे। सो मैंने एक डेमो रखा, एंड अगेन आई एम गोइंग टू कॉपी इट, एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू रीनेम इट एज लेवल वन न्यू। सो मैंने यहाँ पे एक ही प्लान के तीन व्यूज को डुप्लीकेट किया हुआ है, ठीक है, एक दो तीन, एज यू कैन सी। एंड तीनों जो है अभी तीनों भी एग्जिस्टिंग फेज में, नाउ वी हैव टू चेंज इट्स फेज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लेवल वन है, ठीक है, इसे हम कर देते हैं, ये जो डेमो वाली पार्ट है इसे हम कर देते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन में। एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो हमारे पास डेमो है ये न्यू कंस्ट्रक्शन में आ गई है, लेवल वन हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है फेज फिल्टर एंड फेज इज राइट नाउ इज एट एग्जिस्टिंग, आप इसे सेलेक्ट करें, गो टू न्यू कंस्ट्रक्शन, एंड नाउ यू कैन सी ये हमारे पास न्यू कंस्ट्रक्शन में आ चुकी है। एंड यू विल से दी सेम, मतलब जो भी हमारे पास लेवल एग्जिस्टिंग में थी वो यहाँ पे आ चुकी है। नाउ अगर आप यहाँ पे कुछ भी डिमोलिश करते हैं, हमने यहाँ पे इसे डिमोलिश कर दिया, एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास डैश लाइन आ चुकी है, इसका मतलब है कि ये डिमोलिश हो चुकी है। और अगर आप एग्जिस्टिंग फेज में अगर अभी जाते हैं, तो डू यू थिंक कि ये वाली चीज़ वहाँ पे डिमोलिश हुई होगी एग्जिस्टिंग में, एनीवन? नो सर, नो सर, नो। अगर हम यहाँ पे देखें, प्लीज सर ना बोलें, सौरभ जस्ट सेकंड, ओके। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ये जो पार्ट थी, ठीक है, ये डिमोलिश नहीं हुई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम डेमो में जाते हैं तो ये पार्ट डिमोलिश दिख रही है। और अब हमें क्या करना है, इसके हाफ पार्ट को डिमोलिश करना है। अगर हम इसे यहाँ पे डिमोलिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसे डिमोलिश किया, ये फुल पार्ट डिमोलिश हो गया, बट हमें इसे पूरा डिमोलिश नहीं करना था। हमें कभी कभी निब छोड़ना होता है, निब इज लाइक यहाँ से एक एक्सटेंशन छोड़नी होती है जिसपे हमें बीम रखने के लिए जगह दी हुई रहती है। तो यहाँ पे कभी कभी हमें निब छोड़ना होता है या सम टाइप ऑफ दैट थिंग। तो हमने इसे पहले अंडू किया, नाउ यू कैन सी कि ये बैक टू जैसा था वैसा आ चुका है, ठीक है। अब हमें इसे आधा तोड़ना है। आधा तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक कमांड बताई थी, दैट इज स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट के शॉर्टकट की होती है SL, ठीक है।
आप यहाँ से भी स्प्लिट चूज कर सकते हैं, स्प्लिट और स्प्लिट विद गैप, बट मोर ऑफ्टन आई यूज दिस वन स्प्लिट, क्योंकि इसमें आपको गैप नहीं दिखेगी, ठीक है। सो हमने जहाँ से भी इसे स्प्लिट कराना है, जहाँ से भी इसे मतलब कि डिमोलिश दिखाना है, उस पार्ट तक हम इसे स्प्लिट कर देंगे। मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक काट दिया। नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू वन पार्ट एंड टू पार्ट, एज यू कैन सी, ये एक वॉल थी, अब दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एंड नाउ अगर आप यहाँ पे जाएँ, डिमोलिश पे क्लिक करें, एंड यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये देखिए हमारे पास सिर्फ हमें जो पार्ट को डिमोलिश करना था वो डिमोलिश हुई है। आप अगर एग्जिस्टिंग में जाते हैं आपको पूरी पार्ट दिखेगी, आप डेमो में जाते हैं आपको यहाँ टूटी हुई पार्ट दिखेगी, एंड अगर आप यहाँ पे न्यू में जाते हैं तो ये देखें। अब हमें न्यू में कैसा इसे दिखाना चाहिए, मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को तोड़ चुके हैं और अगर हमें क्लाइंट को दिखाना है कि ये टूटने के बाद कैसी दिखेगी, तो वी डोंट वॉन्ट टू सी दिस थिंग्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे फेज में, ठीक है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे जो फेज फिल्टर है हमारे पास, अभी हमारे पास है सो ऑल, ठीक है। अगर आप इसे सो कंप्लीट कर देते हैं, एंड नाउ यू कैन सी कि ये गायब हो चुकी है। सो कंप्लीट का मतलब होता है कि आपने जितने भी चेंजेस किए उसके बाद दिखाना है इन न्यू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर अभी हम डेमो में देखें तो यहाँ पे होगा शो ऑल, ठीक है। एंड अगर आप इसे डेमो प्लस न्यू करते हैं, आई डोंट रिमेम्बर कि इसमें कौन सा काम करता है, सो प्रीवियस प्लस डेमो। सो अगर आप प्रीवियस प्लस डेमो में जाते हैं तो ये कुछ चेंज नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही दिखेगा। एंड अगर हम डेमो प्लस न्यू में जाते हैं, सो एक्चुअली व्हाट आई डू इज आई डोंट यूज दिस थिंग्स, जो हमने डिमोलिश किया ये पार्ट वहाँ पे दिख रही है, मैं यहाँ से खुद से अपनी फेजेस बनाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप मैनेज पे जा सकते हैं, एंड देन ये जितनी भी चीज़ें, मैं ये जो फेज फिल्टर है मेरे लिए कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाती है, सो व्हाट इज मोस्ट यूज हेयर इज सो ऑल एंड सो कंप्लीट, ठीक है, ऐसे हम यूज़ करते हैं। बट व्हाट आई डू इज हम यहाँ पे अगर आप मैनेज में जाते हैं, फेजेस में जाते हैं, नाउ यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे दो फेज है, दैट इज एग्जिस्टिंग एंड न्यू कंस्ट्रक्शन। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी एक न्यू फेज बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप डेमो फेज अगर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग के बाद यहाँ पे एक आफ्टर, नहीं अगर आप यहाँ पे देखें बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर का मतलब क्या होता है कि पहले, मतलब कि एग्जिस्टिंग के भी पहले कैसा कुछ अगर आप का था वहाँ पे तो आप उसे बना सकते हैं। एंड देन यू कैन ऑल्सो गिव अ इंटरमीडिएट फेज, सो एग्जिस्टिंग इज लाइक जो पुरानी थी, देन आई विल ऐड अ डेमो फेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक डेमो फेज ऐड कर देते हैं। अब क्या होगा अगर, ओके मैं इससे पहले आपको दिखा दूँ कि अभी हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप देखें फेज में एग्जिस्टिंग एंड न्यू कंस्ट्रक्शन, तो हम फेज में जाएंगे एक और यहाँ पे एग्जिस्टिंग के बाद ऐड करेंगे आफ्टर, ठीक है, और यहाँ पे हम इसे कर देंगे डेमो, ठीक है। डेमो इज लाइक डेमोलिशन, यू कैन राइट एनी थिंग दैट यू वॉन्ट, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसकी नेमिंग रख सकते हैं। देन यू कैन गो टू फेस फिल्टर एंड ग्राफिक हॉपर, राइट। सो पहले हम सिर्फ डेमो में देखते हैं। सो राइट नाउ एज यू कैन सी मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया एंड ओके कर दिया। अब हमने एक और फेज बना लिया, अगर आप यहाँ फेज में जाते हैं, सो नाउ यू हैव थ्री फेजेस, एग्जिस्टिंग, डेमो एंड न्यू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डेमो वाली फेज थी, ठीक है, इसे हम अब डेमो में डाल देते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी हमने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया फेज में हमने देखा, एंड फेज में डेमो पे क्लिक किया, एंड नाउ यू कैन सी ये डेमो में आ चुका है। एंड इन डेमो ये देखिए अगर, तो इसे हमें डिमोलिशन दिखाना है, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज ये जो हमारे पास फेज डिमोलिश थी हमने कहाँ किया था, न्यू कंस्ट्रक्शन में किया था, ठीक है। तो ये देखिए न्यू कंस्ट्रक्शन में हमारी डिमोलिशन हो चुकी है, बट अब हमें जो इसकी डिमोलिशन दिखानी है वो कहाँ दिखानी है, डेमो फेज में दिखानी है। सो डेमो फेज में अगर आपको इसकी डेमोलिशन दिखानी है तो यहाँ पे जो फेज डिमोलिश लिखा हुआ है, ठीक है, इसे आपको सेलेक्ट करके डेमो पे क्लिक करना होगा। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास डेमो में इसकी डिमोलिशन शो हो रही है, एंड इफ यू गो टू लेवल वन न्यू, सो नाउ यू कैन सी अ क्लीन फ्लोर प्लान, ठीक है। सो दिस इज आवर अर्लियर फ्लोर प्लान, मैं इस वॉल को डिलीट कर देता हूँ, एंड आप चाहें तो यहाँ पे रूम्स ऐड कर सकते हैं, रूम की, अच्छा रूम मैं पहले बता देता हूँ कैसे ऐड होती है। यू कैन गो टू आर्किटेक्चर एंड यहाँ पे हमारे पास रूम है, ठीक है। इस रूम पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी बाउंडेड एरिया होगी, ठीक है, बाउंडेड एरिया का मतलब होता है जैसे कि एक क्लोज्ड एरिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रूम, यहाँ पे अगर आप देखें ये जो ब्लू लाइन आपको शो हो रही है इसका मतलब है कि ये एरिया बाउंडेड है, ठीक है, और ये हमारे एक स्क्वायर रूम या जो भी एक मतलब क्लोज रूम है, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड प्रेस एस्केप, नाउ यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे एक रूम नंबर शो हो रही है। आप चाहते हैं कि इसकी आपको एरिया दिखानी है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर वंस, आपको इस पे क्लिक करना है, एंड नाउ यू कैन सी कि रूम टैग के बाद ऑप्शन है दैट इज एरिया विद टैग एंड एरिया विद वॉल्यूम, ठीक है।
सो व्हाट आई एम गोइंग टू चूज इज रूम टैग विथ एरिया, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास रूम है, रूम टैग है एंड रूम नंबर है, ठीक है। बट आप देखें तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी दिख रही है। आप इफ़ यू वॉन्ट, आप इसे छोटी करना चाहते हैं देन आपको इसे एडिट फैमिली में जाके इसे चेंज करना होगा। और वॉट यू कैन डू इज, मैं यहाँ पे ये जो रूम नंबर है ये नहीं दिखाना चाहता, यहाँ पे मैं इसे सिर्फ रीनेम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कर देता हूँ फॉर समथिंग लाइक इन बिफोर इट वॉज लाइक एंट्रेंस, एंट्रेंस, ठीक है। सो ये हमारे एग्जिस्टिंग फेज में एंट्रेंस थे, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू शो दिस नंबर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस जस्ट सेलेक्ट दिस रूम, गो टू एडिट टाइप, एंड यहाँ पे हमारे पास रूम नंबर है, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट, प्रेस ओके। एंड नाउ यू कैन से कि इसके डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंट्रेंस और 5 मीटर जो डिस्टेंस दिखा रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट, गो टू एडिट फैमिली। एडिट फैमिली के बाद देखें तो ये जो हमारे पास ये वाली पार्ट है, यू कैन जस्ट पुट इट ओवर हियर, आप इसे इसके ऊपर रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसे और रूम के पास रखना चाहते हैं, तो हमने ये जो हमारे पास रूम का नेम है ऊपर, ठीक है, एंड इसके पीछे एक नंबर छुपी हुई है जिसे हम हाइड हमने कर दिया है, एंड देन वी हैव द वॉल्यूम एंड एरिया, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी टेक्स्ट छोटी हो जाए, देन जस्ट सेलेक्ट एनी वन ऑफ इट, एंड यहाँ पे हमारे पास 3 मिलीमीटर है, ठीक है। ये जो हमारी इसकी साइज़ है टेक्स्ट की, वो 3 मिलीमीटर है। यू कैन जस्ट गो टू एडिट टाइप, डुप्लीकेट इट फर्स्ट एंड राइट इट एज 2 मिलीमीटर एंड प्रेस ओके। एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, हाउ बोल्ड इट वुड लुक। सो मैंने यहाँ पे इसे 2 मिलीमीटर किया, सो आप जस्ट चेंज द टेक्स्ट साइज टू 2 मिलीमीटर, एंड मैं चाहता हूँ ये बोल्ड में दिखे, ठीक है। यू कैन इवन चेंज द कलर ऑफ इट अगर आपकी मर्जी है तो, एंड देन बैकग्राउंड वुड बी ट्रांसपेरेंट, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन आती है दैट इज ओपेक, सो आई विल जस्ट कीप इट एज ट्रांसपेरेंट एंड प्रेस ओके। एंड देन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लोड इनटू प्रोजेक्ट, आप यहाँ पे लोड इनटू प्रोजेक्ट करते हैं, एंड देन यू विल गेट अ वार्निंग कि इधर यू हैव टू ओवरराइट इट और ओवरराइट इट पैरामीटर्स, ठीक है। तो आप इसमें दोनों से कुछ भी सेलेक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट सेलेक्ट इट। एंड नाउ यू विल सी कि हमारे पास एंट्रेंस और जो 5 मीटर की डिस्टेंस है, ये इससे बड़ी टेक्स्ट दिख रही है, ये 3 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर है एंड ये 3 मिलीमीटर है। यू कैन जस्ट चेंज इट वंस अगेन, आई हैव टू गो बैक, सेलेक्ट इट एंड जस्ट चेंज इट टू 2 मिलीमीटर। आप चाहें तो इसके पीछे की जो नंबरिंग है उसे भी 2 मिलीमीटर पर रख दें, एंड देन लोड इट बैक टू प्रोजेक्ट, ओवरराइट द एग्जिस्टिंग पैरामीटर, एंड स्टिल आई थिंक इट इज लुकिंग लाइक ओके, नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू 2 मिलीमीटर ओवरराइट, एंड नाउ यू कैन सी ये चेंज हो चुकी है, ठीक है। एंड मैं फेजेस में बताते बताते रूम आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो रूम टैग्स है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये हमारी लिविंग रूम है, लिविंग, और ये हमारी बेडरूम वाले बेडरूम। अब हमने यहाँ पे इस पार्ट को डिमोलिश किया है न्यू कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अगर हम डेमो में जाते हैं तो ये देखें हमारे पास जो रूम टैग्स है यहाँ पे नहीं शो हो रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर रूम टैग्स डालते हैं तो ये तो हमारी बेडरूम आ जाएगी, हमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे, या तो आप एक एक करके इसे फिर से लिख सकते हैं, टीडियस टास्क, बहुत मुश्किल है। एंड नाउ यू कैन सी कि अगर हम इस रूम में इस दोनों को हम सेलेक्ट करें एंड देन जस्ट चेंज इट टू एरिया, नाउ यू कैन सी कि इस रूम की एरिया जो है, ये अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास बाउंडेड एरिया जो दिखा रही है यहाँ पे, ये 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड इन लेवल वन यू कैन सी इट इज इट वॉज 18 मिलीमीटर, सो डेमो में ये जो है ये चेंज हो चुकी है, ठीक है। सो ये जो एरिया है ये बढ़ चुकी है, अगर आप न्यू में जाते हैं, डोंट सेव इट। एंड नाउ यू कैन सी आपके पास यहाँ पे सिर्फ 2 रूम है, मैंने फिर से रूम सेलेक्ट किया है, यहाँ से आप आर्किटेक्चर में जाएं, रूम में जाएं, नाउ यू कैन सी 2 रूम्स, वन इज लिविंग एंड वन इज बेडरूम। सो अगर आपको इस तरह से इसे सेलेक्ट नहीं करना, ओके, यू कैन जस्ट डिलीट इट फॉर नाउ, सेलेक्ट ऑल, डिलीट, सो नाउ वी हैव दिस रूम, एंड इसकी जो एरिया है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। बट अगर आप मेरी प्रोजेक्ट को देखें, अगर मैं अपनी प्रोजेक्ट खोलता हूँ, सो यहाँ पे हमारे पास 3 फेजेज हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि इन दोनों को एक ही फेज में डालूँ। सो एज यू कैन सी, न्यू कंस्ट्रक्शन में ही मैं डेमो फेज को डालता हूँ, एंड देन न्यू कंस्ट्रक्शन में ही प्रपोज फेज को डालता हूँ, ठीक है। यू कैन इधर चूज बोथ वेज, अगर हम जिस तरह से मैंने किया, अगर मैं उस तरह से कर देता हूँ, इस डेमो फेज को अगर मैं डाल देता हूँ न्यू कंस्ट्रक्शन फेज में, ठीक है। अब ये देखें न्यू में जिस तरह से हमें दिख रहा था यहाँ पे भी उसी तरह दिख रहा है। नाउ यू कैन सेलेक्ट शो ऑल, शो ऑल, एंड देन वी हैव सम प्रॉब्लम हियर। अगर हम यहाँ पे देखें,
ये हमारी न्यू कंस्ट्रक्शन में शो ऑल वेज दैट, अब हमें फिर से इसे डिमोलिश करना होगा इस पार्ट को, फेज डिमोलिश, अब हमने इसे न्यू कंस्ट्रक्शन में डिमोलिश करना है। यू गो टू फ्लोर प्लान, नाउ यू हैव दिस रूम ओवर हियर, ओके सो नाउ वी हैव मेड अ रूम ओवर हियर, इसे मैं कर देता हूँ रूम एरिया विद वॉल्यूम, एंड नाउ यू कैन सी ये 24 मिलीमीटर दिखा रहा है, ये 24 मीटर्स का दिखा रहा है, पूरी एरिया को दिखा रहा है, एंड इफ़ यू गो टू न्यू, एंड यहाँ पे अगर आप रूम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, नाउ यू विल गेट दिस एरर, दैट इज रूम इज ऑलरेडी प्रेजेंट। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, दैट इज मल्टीपल रूम इन द सेम एरिया, ठीक है, सेम एनक्लोज रीजन में हमारे पास एक और रूम पहले से अवेलेबल है। सो इन केस अगर आप दो फेज में काम कर, तीन फेज में काम कर रहे हैं, दैट इज एग्जिस्टिंग डेमो एंड न्यू कंस्ट्रक्शन, तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इफ़ यू आर वर्किंग ऑन टू, जैसे कि मैं करता हूँ, एग्जिस्टिंग एंड न्यू कंस्ट्रक्शन, तो आपको यहाँ पे एरर आएगी कि आपके डेमो फेज में यहाँ पे आपके पास रूम है, अगर आप न्यू फ्लोर में रूम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली रूम नहीं लगा सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करके देखें तो ये जो आपको यहाँ पे ये एरिया दिख रही है, इसका मतलब होता है कि ये हमारी एक एनक्लोज एरिया है, बट इसकी नेम नहीं है। सो यू कैन जस्ट गो टू आर्किटेक्चर, और यहाँ पे अगर आप जाएँ तो हमारे पास आता है रूम टैग, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेम रूम टैग यहाँ पे आ चुका है, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट एंड चेंज इट विद एरिया, एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारे पास रूम की नेम थी, अगर हम यहाँ पे इसे लिविंग चेंज कर देते हैं लिविंग में, ओके सो ये जो है ये भी यहाँ पे लिविंग में चेंज हो जाएगी। बट अगर हम यहाँ पे लेवल 1 पे जाते हैं और इसकी नेम जो है मैं इसे लिख देता हूँ ओपन एरिया, ओपन, ठीक है, इसकी नेम मैंने लेवल 1 पे जो एग्जिस्टिंग फेज में जो रखी है एंड डेमो में जो रखी है, ये दोनों अलग है, ठीक है। सो कोई मुझे ये बता सकता है कि यहाँ पे इसकी नेम ओपन मैंने किया तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पे मैंने अगर लिविंग लिखा है तो यहाँ पे भी लिविंग लिखा है, ऐसा क्यों? एनीवन, यू कैन जस्ट ट्राई। यस, दोनों का फेज दैट्स द करेक्ट आंसर। सो अब चाहें तो इसमें दो फेज में बना सकते हैं, तीन फेज में बना सकते हैं, सो लेट्स वर्क ऑन 3 फेजेस। मैं अब अगर हो सकता है तो मैं अपनी टेम्पलेट को चेंज करूंगा, सो आई विल जस्ट मेक अ टेम्पलेट विद दिस वन। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमने इसे कर दिया, नाउ वी विल हैव टू चेंज इट टू फेज डिमोलिश्ड टू डेमो, ठीक है, एंड देन शो ऑल। सो अब आप देखिए यहाँ पे ये जो फेज फिल्टर है, ये इसमें मुझे भी बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है। सो व्हाट आई डू इज आई मेक माई ओन फेस फिल्टर, ठीक है। सो अब हम अपनी खुद की फेस फिल्टर कैसे बनाएंगे, जस्ट गो टू डेमो, एंड अगर आप एक और चीज़ देखें तो ये जो यहाँ पे कलर्स हैं इसकी, ये देखें अगर लेवल 1 में जाते हैं तो ये ब्लैक दिख रही होगी आपको, अगर आप ध्यान से देखें ये ब्लैक दिख रही होगी, एंड अगर आप लेवल 1 न्यू में जाते हैं, दिस इज इन न्यू कंस्ट्रक्शन, तो ये थोड़ी ग्रे दिख रही है, ऐसा क्यों? तो हम पहले देखते हैं कि हम इसकी जो लाइंस के जो कलर्स हैं वो कैसे चेंज कर सकते हैं। सो अगर मैं, मेरे पास अपनी प्रोजेक्ट खुली हुई है क्या? नहीं, ओके लेट्स जस्ट लीव दैट। सो लेट्स गो टू, ओके दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, दिस इज गोइंग टू द न्यू कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज गोइंग टू द डेमो, ठीक है, एंड डेमो में जाने के बाद आप मैनेज पे जाएं, मैनेज पे जाने के बाद आप फेजेस में जाएं, फेजेस में जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, एक है फेज फिल्टर, दूसरा है ग्राफिक ओवरराइड। सो लेट्स फर्स्ट सी द ग्राफिक ओवरराइड। सो आई हैव जस्ट, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मैंने हमारे पास जो कलर प्रोवाइड की गई है हमारी कंपनी की तरफ से, वो उसका RGB वैल्यू क्या है। सो एज यू कैन सी ये जो हमारे पास न्यू जो है, न्यू में यहाँ पे कुछ कलर्स दिए हुए हैं एंड डेमो में हमारे पास ये कलर्स ही है, तो एज यू कैन सी ये जो हमारे पास डैश लाइन है, ये जो आपको यहाँ डैश लाइन दिख रही है, ठीक है, ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है, एंड दिस इज ब्लैक, अगर आप इसे येलो कर देते हैं, ठीक है, एंड जस्ट प्रेस ओके एंड ओके एंड जस्ट ट्राई टू अप्लाई इट, एंड नाउ यू कैन सी ये जो कलर है ये बहुत ज़्यादा ब्राइट येलो हो गया, लेट मी चेंज इट टू समथिंग एल्स, समथिंग लाइक रेड, अप्लाई इट, ओके, एंड नाउ यू कैन सी ये जो हमारे पास डेमो है, मतलब कि जो डिमोलिश पार्ट हुई है, ठीक है, इसकी जैसे हमने लाइन चेंज की, ये पार्ट वहाँ पे रेड में हो गया, ठीक है, एंड इफ यू वॉन्ट कि ये पूरा फिल हो जाए, ये जो पार्ट है ये अगर आप चाहते हैं कि फुल टू फिल्ड हो जाए रेड कलर से, सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट ओवर हियर द पैटर्न,
ठीक है, आप हिडन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हिडन पे आप क्लिक करेंगे, नाउ यू विल गेट एन ऑप्शन दैट इज फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। एंड अगर आप यहाँ फोरग्राउंड में जाते हैं, सॉलिड फिल में जाते हैं, एंड देन सेलेक्ट द रेड कलर, प्रेस ओके, एंड देन ओके, एंड देन अप्लाई। ये हमारे पास यहाँ विजिबल नहीं है, सो इट इज हिडन। यहाँ पे हमें इसे विजुअलाइज कराना है, सो जस्ट प्रेस ऑन विजिबल एंड ओके, एंड जस्ट अप्लाई इट, एंड नाउ यू विल सी ये पूरी तरह से रेड हो चुकी है। सो यू हैव बोथ दी ऑप्शन, आप चाहे तो उसे टूटी हुई दिखाने के लिए या तो आप उसे फुल टू कलर फिल्ड दिखाएं, या फिर आप विदाउट कलर फिल्ड अगर दिखाना चाहते हैं, यू विल जस्ट हैव टू डू दिस थिंग दैट इज विजिबल ओके अप्लाई, एंड नाउ यू कैन सी इसकी विजिबिलिटी जो है उसे हमने ऑफ करा दी, एंड नाउ यू कैन सी कि ये हमारे पास रेड में शो हो रही है। सो द कलर दैट वी आर प्रोवाइडेड बाय आवर कंपनी इज यू विल हैव टू राइट इट। अगर आपको मे बी आपको ये मिल जाएगा कहीं पे, सो वी हैव टू चेंज इट्स RGB वैल्यू। ठीक है, इसकी RGB जो हमें वैल्यू प्रोवाइड कराई गई है उसमें है डिमोलिश फेज के लिए 211, ठीक है, 157, एंड यहाँ पे रेड वैल्यू 211, ग्रीन वैल्यू 157, एंड ब्लू वैल्यू इज 54, एंड दिस इज द कलर ऑफ आवर डिमोलिशन। ठीक है, एंड प्रेस ओके, अप्लाई अप्लाई, एंड नाउ यू कैन सी दिस इज द कलर दैट वी यूज। ठीक है, आप चाहे तो इस कलर को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पूछ लें अगर किसी से, फिजा मतलब आपको बोलती है कि आप दूसरे कलर यूज़ कर सकते हैं, देन यू कैन जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसके भी फेस में कलर चेंज कर देते हैं जो कि है लाइन्स। सो व्हाट वाज इट, 211, 157, एंड देन इट्स 9। ओके, प्रेस ओके, ओके, अप्लाई। ठीक है, इसके बाद आप ये जो हमारे पास न्यू कंस्ट्रक्शन में भी है, अगर हम कुछ बनाते हैं, अगर हम जाते हैं लेवल वन न्यू, एंड देन प्रेस मैंने वॉल की एक एक यहाँ पे वॉल बनाया, नाउ यू कैन सी कि ये जो वॉल है ये अभी ब्लैक में बन रही है। यू कैन जस्ट गो टू फाइन, सेलेक्ट अ वॉल, लेट मी चेक अ स्टैक वॉल, एंड नाउ यू कैन सी कि अगर हम कोई भी एक स्टैक वॉल लेते हैं, अभी इसके डिटेल्स हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, एंड ये हमारे पास एक नॉर्मल वॉल है जिसमें कि एक सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, तो अब हमने इसे न्यू कंस्ट्रक्शन बनाया, ये जो वॉल है अगर आप इसे देखें, फेस क्रिएटेड न्यू, और यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया रूम बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक रूम बन जाए CSDR, एंड आई मेड अ न्यू रूम ओवर हियर, आर एम इज ए शॉर्टकट फॉर रूम, मैंने यहाँ पे एक रूम बना दिया। ठीक है, इस रूम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। नाउ अभी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता नहीं चला कि हमने न्यू कंस्ट्रक्शन में क्या बनाया है, अगर आप जब तक इसे जूम ना करें, एंड देन यू विल हैव टू चेक कि इसकी कलर क्या है, देन यू विल सी कि ये ब्लैक कलर में है, सो मे बी इट इज़ मेड इन द न्यू कंस्ट्रक्शन फेज। सो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी है। सो हमें इसे शो कराने के लिए क्या करना होता है, इसमें हम अपनी कलर पैलेट यूज़ करेंगे। सो अगेन गो टू फेजेस, फेजेस में जाने के बाद आप ग्राफिक ओवरराइड में जाएं, ग्राफिक ओवरराइड में आप यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास न्यू में है इसकी आपको सिर्फ कलर चेंज करानी है। ठीक है, सो नाउ वी हैव द अनदर कलर वैल्यू फॉर दिस, एंड नाउ यू कैन सी ये हमारे पास सॉलिड पहले से, आप चाहें तो इससे डैश लाइन है, आप की मर्जी, आप जिस तरह से यूज़ करना चाहें, बट दिस इज़ डिफॉल्ट टेम्पलेट दैट वी आर यूजिंग, डिफॉल्ट जो हमें मिल रही है, बस हम इसकी कलर चेंज करा देंगे। सो नाउ वी हैव टू चेंज इट टू ब्राउन की जो हमारी कलर वैल्यू है RGB की, वो है 155, 86, एंड देन 54। ठीक है, ये देखिए हमारे पास यहाँ वैल्यू हमें यहाँ पे चेंज करा दी, 155, 86 एंड 54, प्रेस ओके एंड ओके। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ब्लैक में दिख रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो हम 3D में जब भी देखते हैं या फिर कोई भी कट पैटर्न में देखते हैं तो वो ब्लैक दिखेगा हमें पूरी तरह से। सो अभी हम इधर वाली भी कलर इसकी चेंज करा देते हैं, सेम वैल्यू दैट इज़ 155, 86 एंड देन 54, प्रेस ओके ओके अप्लाई ओके। एंड अभी भी हमारे पास यहाँ पे जो कट पैटर्न में हमारा ये जो कलर है वो अभी तक चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने इसकी जो कट पैटर्न में है ये कलर चेंज हमने इसका नहीं किया। सो यहाँ पे हमें न्यू कंस्ट्रक्शन में ये जो ब्लैक पैटर्न आ रहा है इसे हमने सेलेक्ट करके यहाँ चेंज करना होगा टू 155, 86 एंड देन 54, ओके ओके, अप्लाई इट एंड अप्लाई इट, एंड स्टिल दिस नथिंग बींग शोन। अच्छा, ये क्यों नहीं शो हो रही है ये मैं आपको बताता हूँ। सो एज यू कैन सी, अगर हम इसे शो कराना है, देन यू विल हैव टू गो टू शो ऑल, देन यू हैव टू सेलेक्ट द कंप्लीट, ओके दिस इज नॉट वर्किंग फॉर अस, सो व्हाट एल्स,
दिस इज इन द करेक्ट फेस. डेमो प्लस न्यू, डेमो प्लस न्यू, डेमो प्लस न्यू. ओके नो. ओके वी हैव टू मेक आवर ओन फेस फिल्टर राइट नाउ, देन ओनली वी कैन शो दिस कलर्स. सो हम यहाँ पे जाएंगे फेस फिल्टर में, एंड नाउ वी हैव द थ्री फेस दैट इज एग्जिस्टिंग, डेमो एंड न्यू. सो हम यहाँ पे तीन फेस फिल्टर बना लेते हैं. नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया. यू कैन जस्ट डिलीट इट. यू कैन मेक ए न्यू फिल्टर फ्रॉम हियर. जस्ट क्लिक ऑन न्यू, न्यू एंड न्यू. ठीक है, हमने तीन फेस फिल्टर बना लिया. इसकी नेमिंग हम कर देते हैं. तो पहले वाली की नेमिंग मैं कर देता हूँ एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग. ठीक है, उसके बाद मैं कर देता हूँ डेमो, एंड देन लास्ट वन लेट मी डू इट एज न्यू. ठीक है, एंड देन ओके फेस दैट फेस फिल्टर. ओके नाउ वी हैव टू यूज समथिंग दैट इज, अगर हम एग्जिस्टिंग में देखें तो हमें एग्जिस्टिंग में क्या चाहिए होता है. ठीक है, अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे सेंस अपना लगाना पड़ेगा. तो एग्जिस्टिंग में हमें न्यू कंस्ट्रक्शन की चीज़ें दिखानी होती है. एनीवन, आप मुझे ये बताएं, अगर हम कोई भी चीज़ एग्जिस्टिंग में बनाया हुआ है पहले से, एंड हमें न्यू कंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास वो एग्जिस्टिंग में दिखाना पड़ता है. अगर जैसे कि हमारे पास कोई फ्लोर प्लान आया हुआ है एंड नहीं नहीं. ओके सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग में न्यू को हम नहीं दिखाएंगे. यहाँ पे आपके पास यहाँ तीन ऑप्शन है, दैट इज ओवर रिटन, नॉट डिस्प्लेड एंड बाई कैटेगरी. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे नॉट डिस्प्लेड कर देंगे. ठीक है, एग्जिस्टिंग में हमें डेमो भी नहीं दिखाना होता है. ठीक है, सो हमने यहाँ डेमो भी नहीं दिखाया. टेम्पररी, लेट्स जस्ट लीव इट फॉर नाउ. टेम्पररी का मतलब होता है जिस फेज में बना है उसी फेज में उसे हमने तोड़ दिया. ठीक है, एंड देन वी हैव द एग्जिस्टिंग. सो आप एग्जिस्टिंग को कैसा दिखाना चाहेंगे, सो आई वॉन्ट टू शो इट एज बाई कैटेगरी. बाई कैटेगरी का मतलब है वो जैसा पहले था वैसा ही दिखेगा. ठीक है, सो हमने यहाँ पे तीन फेज, ये एग्जिस्टिंग फेज बना दिया. ठीक है, एंड इसमें हम अगर कुछ भी करेंगे इसमें कोई चेंज नज़र नहीं आएगी. देन इन डेमो फेज, डेमो फेज में अब हमारे पास दो ऑप्शन है. हम चाहे तो अपनी न्यू कंस्ट्रक्शन की चीज़ों को दिखा सकते हैं या फिर नहीं दिखा सकते हैं. वी हैव बोथ दी ऑप्शन. सो मैं ज़्यादातर मतलब अपनी सारी प्रोजेक्ट में डेमोलिशन वाली चीज़ें भी दिखाता हूँ एंड न्यू कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें भी दिखाता हूँ. ठीक है, सो यू कैन इधर कीप इट एज न्यू कंस्ट्रक्शन, आप चाहें तो ना दिखा सकते हैं या फिर आप ओवर रिटेन कर सकते हैं. हम लोग दोनों ऑप्शन देखेंगे दोनों में क्या होता है. ठीक है, सो राइट नाउ आई हैव डन इट एज ओवर रिटेन. डेमो में हमें एग्जिस्टिंग चीज़ें दिखानी होगी जो पहले से अवेलेबल है हमारे प्रोजेक्ट में. ठीक है, एंड देन डिमोलिशन पार्ट जो है उसे हमें ओवर रिटन करके दिखाना होगा. सो दैट इज कि हम उसे येलो कलर में दिखाना चाहते हैं. ठीक है, एंड टेम्पररी पार्ट लेट्स जस्ट लीव इट, और यू कैन जस्ट डू इट एज नॉट डिस्प्लेड, या हमें ऐसे टेम्पररी की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, सो लेट्स जस्ट लीव दिस पार्ट, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस पार्ट. देन वी हैव द न्यू कंस्ट्रक्शन. न्यू कंस्ट्रक्शन में जो हमें न्यू चीज़ें दिखाती होनी होती है वो हमें ओवर रिटन में दिखानी होती है. इसका मतलब है कि ये जो पार्ट हमें दिखेगा ये एक कलर में शो होगा, दैट इज ब्राउन कलर. सो वी हैव डन इट एज द ब्राउन कलर इज ओवर रिटन. सो हमने इसे कहा कि आप जो हमारे न्यू कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पे ग्राफिक ओवर राइट में ये कलर दिया है. ठीक है, हमने कहा कि आप इस कलर को ओवर राइट करो, हम वहाँ पे कुछ भी बनाएंगे न्यू कंस्ट्रक्शन फेज में. ठीक है, आप उसे इस कलर में दिखाओगे. ठीक है, एंड इन डेमो फेज यहाँ पे हमने, अगर आप कुछ चाहिए यहाँ पे कि ये भी फील्ड है, सो राइट नाउ इट इज एट रेड, लेट्स जस्ट लीव इट टू रेड राइट नाउ. ठीक है, और यहाँ पे हम इसे कहेंगे डेमो वाली जो पार्ट है वो भी हमें दिखा, वो भी ओवर रिटन दिखा, उसकी भी कलर हमें शो होनी चाहिए. एंड जो एग्जिस्टिंग पार्ट है हमारे पास उसे तुम बाई कैटेगरी दिखाओ. ठीक है, एंड ओवर ये टेम्पररी हमें काम करनी है हमारा. सो राइट नाउ यू कैन सी एग्जिस्टिंग में हमने तीनों में बाई कैटेगरी रखा है, डेमो में हमने न्यू वाली चीज़ों को ओवर रिटेन किया है एंड डिमोलिश वाली चीज़ों को ओवर रिटेन किया है. एंड न्यू फेज में अब हमें ये जो डिमोलिश वाली पार्ट है इसे हमें शो नहीं करना है. अगर इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू शो इट जस्ट क्लिक इट एज नॉट डिस्प्लेड. सो नाउ यू कैन सी कि हमने यहाँ पे तीन फेज फिल्टर खुद की बनाई हुई है एंड जस्ट अप्लाई इट. नाउ अब हमारा जो काम है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा. सो अगर हम यहाँ पे ओल्ड कंस्ट्रक्शन में जाएं, दिस इज़ हाउ आवर प्लान लुक्स. अगर हम लेवल वन में जाते हैं, डेमो में जाते हैं, सो एज यू कैन सी ये हमारा येलो कलर यहाँ दिख रहा है. एंड लेट्स जस्ट मेक समथिंग न्यू हियर. ओके यहाँ पे हमारी फेस फिल्टर काम नहीं कर रही है. ओके दी एग्जिस्टिंग इज ओके, न्यू कंस्ट्रक्शन डिमोलिश इज नॉट डिस्प्लेड ओवर रिटन.
ओके इट शुड हैव शोन द कलर ओवर हियर। ओके यस, मैंने फेस फिल्टर यहाँ चेंज नहीं किया है। एज यू कैन सी हमने फेस फिल्टर तो बनाया है बट फेस फिल्टर यहाँ पे डाला नहीं है, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी जो तीन फेस फिल्टर है, ये जो पहले से हमारे पास अवेलेबल है वो नीचे शो हो रही है, एंड जो हमने अभी बनाया है वो ऊपर शो हो रही है। सो दिस इज आवर डेमो फेस, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है फेस फिल्टर में, एंड फेस फिल्टर में आपको यहाँ पे डेमो सेलेक्ट कर लेना। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी जो ये कलर है, अगर हम यहाँ पे आप कुछ भी बनाते हैं, तो यहाँ पे हमने एक वॉल यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक नीचे में वॉल दे देता हूँ। हमने न्यू कंस्ट्रक्शन में एक और वॉल बनाई हुई है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, ये वॉल हमने बनाई है और ये वॉल अभी हमने डेमो में बनाई है। एंड अगर हम यहाँ पे इसकी फेस फिल्टर को कर देते हैं फेस नॉट दिस वन। ओके एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको जो प्रॉपर्टी दिखाई जाएगी वो इस वॉल की दिखाई जाएगी कि ये कौन से फेज में बनी हुई है, ठीक है। ये देखें, इसकी जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ इस वॉल के लिए दिखाई जा रही है। डेमो न्यू कंस्ट्रक्शन डेमो एंड एग्जिस्टिंग, आप इसे किसी में भी डाल सकते हैं, सिर्फ इस वॉल को। बट अगर आप यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट ना करते हैं, ठीक है, तो आपको इस पूरे पेज की फेस दिखाई जाएगी, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी कि आपको फेस फिल्टर में क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो हमारी जो फेजिंग की ऑप्शन है यहाँ पे, ये थोड़ी चेंज हो जाती है। यहाँ पे हमें लिखता है कि फेस क्रिएटेड एंड देन दी अदर वन इज फेस डिमोलिश, ठीक है। अगर आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते हैं, यू विल गेट दिस ऑप्शन दैट इज फेस फिल्टर एंड देन फेस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमारी है न्यू कंस्ट्रक्शन, सो वी विल हैव जस्ट सेलेक्ट ओवर हियर द न्यू कंस्ट्रक्शन दैट इज न्यू। एंड नाउ यू कैन सी ये जो पार्ट है हमारे पास, ये न्यू बनी हुई है, ये जो पार्ट है अभी हमने बनाई है, ये पार्ट हमारी अभी बनी हुई है। न्यू कंस्ट्रक्शन में हमारी डेमो वाली पार्ट जो है वो जो तोड़ा था हमने, डेमोलिश जो किया था वो पार्ट नहीं शो हो रही है। बट अगर आप डेमो में जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो हमने तोड़ा है वो दिख रही है, जो हमने न्यू कंस्ट्रक्ट किया है वो भी दिख रही है। यू कैन अगेन गो टू फेजेस एंड इफ यू वॉन्ट कि ये जो यहाँ पे इस तरह से कलर फील्ड है, यहाँ पे भी अगर आपको कलर फील्ड दिखे तो आपको ग्राफिक ओवर राइट में जाना है, देन सेलेक्ट डिमोलिस्ड एंड देन यहाँ पे आप चाहे तो रेड कलर रख सकते हैं। लेट्स स्किप इट फॉर रेड एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस विजिबल, प्रेस ओके अप्लाई, एंड ये हमारा रेड कलर में चेंज हो गया। इफ यू वांट टू चेंज इट टू आवर कंपनी आरजीबी वैल्यू, यू कैन जस्ट सेलेक्ट ओवर हियर दैट इज द कलर एंड देन चेंज इट टू 211 157 एंड देन 9। ओके 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 एंड ओके एंड नाउ यू कैन सी, अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें टूटी है, क्या चीज़ें नहीं बन रही हैं, क्या चीज़ें यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं, सो नाउ लेट्स जस्ट मेक एनीथिंग इन यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ, ये देखें आप लेवल वन एग्जिस्टिंग फेज। अब हम एग्जिस्टिंग फेज में यहाँ पे एक ओके एग्जिस्टिंग फेज में एक मैं रूम पहले से बना देता हूँ, ठीक है। नाउ अभी आप लोगों को आंसर करना पड़ेगा। अगेन लेट मी ऐड अ डोर, लेट मी ऐड अ विंडो, लेट मी जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ दिस विंडो। ओके सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, हमने यहाँ पे एक रूम बनाई है। आप लोगों को क्या लगता है, ये जो पार्ट हमने बनाया है ये डेमो फेज में शो होगा एनीवन? ये हमने एग्जिस्टिंग में बनाई है, डू यू थिंक ये डेमो में शो होना चाहिए? होगा, हमने सारे फेसेस में डेमो को मतलब एग्जिस्टिंग को शो किया है बाय कैटेगरी, तो ये होगा। ओके ठीक है, ये देखें ये हमारे पास डेमो में यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। हम न्यू में भी जाते हैं तो ये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं मान लेता हूँ मुझे अब ये विंडो यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे गया मॉडिफाई में, यहाँ पे गया इस डिमोलिशन में, यू कैन जस्ट डिमोलिश इट लाइक दिस एंड नाउ यू कैन सी ये पार्ट जो हमारा ये डिमोलिश हो चुका है। सो डू यू थिंक कि अगर हम वापस से एग्जिस्टिंग फेज में जाते हैं तो यहाँ पे ये विंडो शो होगा या नहीं? हमने इसे डिमोलिश किया है अभी। एग्जिस्टिंग में ये होगा, डेमो ओके में इस तरह का आएगा। एंड न्यू में अगर हम जाते हैं तो क्या होगा? न्यू में वहां पे वॉल आ जाएगी, नहीं होगी, विजिबल यस यू आर करेक्ट। नाउ यू कैन सी ये यहाँ पर पे वॉल का न्यू कलर वॉल आ नहीं चुकी है, आया। वॉल का कलर नहीं आया। सो लेट्स जस्ट चेक इट इन 3D एंड ओके जस्ट अ सेकेंड, पहले मैं सारी वॉल को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके सेलेक्ट ऑल। हमारे पास सेलेक्ट सेलेक्ट ऑल, ओके देयर सम प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम। मैं इसे सेलेक्ट
सारी वॉल्स को सेलेक्ट करता हूँ, चेक नन वॉल, ओके, इट इज टू अप टू लेवल 2। एंड अगर हम देखें हमने यहाँ पे कहाँ विंडो बनाई हुई है डेमो में, सो नाउ यू कैन गो टू फेस फिल्टर डेमो, डेमो में हम अगर देखें सो हमारी विंडो कहाँ गई, ओके हियर वी हैव टू सेलेक्ट दी फेस फिल्टर, सेलेक्ट योर डेमो, एंड ये आ गई हमारी डेमो में। न्यू में अगर हम जाते हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन, तो ये फेस फिल्ड है बट ये यहाँ पे शो नहीं हो रही है, दिस इज टू बी शोन इन द कलर। सो इसे हमें कलर में शो कराने के लिए अगेन वी हैव टू गो टू द मैनेज फेस ग्राफिक ओवरराइड, एंड आई थिंक दैट वी शुड चेंज हियर समथिंग, बैकग्राउंड की कलर अगर हम चेंज करते हैं देन विल इट बी शोन टू अस। ओके जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक माई फेस, एक्चुअली मुझे अपना फेस देखना पड़ेगा। खेली अगेन, मैनेज फेजेस ग्राफिक ओवर राइड, एंड हियर एवरीथिंग इज जस्ट लाइक दैट आई थिंक, या नथिंग इज चेंज, बट इसमें जब मैं कुछ भी डिमोलिश करता हूँ तो इट लुक्स राइट। सो शो द कलर, यहाँ पे शो नहीं हो रही है, अगेन लेट मी गो टू मैनेज फेजेस फेस फिल्टर न्यू ओवरविजन इज राइट, ओके आई विल हैव टू चेक इट एक्चुअली क्यों नहीं हो रही है, बट मे बी दिस वॉल इज फिल्ड एंड यहाँ पे हमारे पास इसकी फेस शो नहीं हो रही है। ओके मैं इसे आपको देख के बता दूंगा कि ये क्यों नहीं हो रही, मुझे एक बार इसे चेक करना होगा। ओके लेट्स जस्ट मेक समथिंग ओवर हियर एंड लेट्स ट्राई इट अगेन डेमो, ठीक है यहाँ पे कलर शो हो रही है। अगर मैं 3D में जाऊँ, ये वाली पार्ट सेलेक्टेड डेमो फेस फिल्टर फेसेस न्यू, एंड अगर मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग में जाऊँ, ये शो एग्जिस्टिंग में हमने इसे तो नहीं बनाया था अभी, सेलेक्टेड पुटिटिंग, ओके ये एग्जिस्टिंग में शो नहीं हो रही है यहाँ पे बस। आई थिंक दैट फर्स्ट व्हाट शुड वी डू इज लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस वॉल्स। अच्छा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो कलर्स है हमारे पास इस वॉल की, हम चाहते हैं इसे भी अगर आप ग्रे करना चाहते हैं, इन केस जो हम डिफॉल्ट यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पे वीवी क्लिक करना होगा, आप ग्राफिक विजिबिलिटी में जा सकते हैं और यू कैन गो टू मैनेज और व्यू, आई थिंक यस व्यू में आप जा सकते हैं, या व्यू में आप विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाएं एंड वॉल्स पे जाएं, यहाँ पे हमारे पास वॉल्स में जाके ओवरराइड का ऑप्शन आता है, इसमें आप ओवरराइड कर सकते हैं एंड दैट इज़ द कट पैटर्न, आपको कट पैटर्न में से ओवरराइड करना होगा ताकि ये सारी चीज़ों को आप फिल कर सकें। सो ओवर हियर आई एम जस्ट सेलेक्टिंग द कलर टू ग्रे, ओके ओके अप लाइट एंड ओवरराइड, ओके यहाँ पे हमारे पास जो पैटर्न है इसे हमें सॉलिड करना होगा, प्रेस ओके एंड ओके, स्टिल इट हैज नॉट चेंज्ड, विजिबिलिटी ग्राफिक्स वॉल्स लाइंस नॉट एक्चुअली पैटर्न्स में हमें चेंज करना है इसे, सॉलिड ग्रे ओके 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 एंड ओके यस। सो नाउ अब हमें यहाँ भी शो करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज अगर आपने कुछ ऐसा बनाया है जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अभी फ्लोर प्लान में ग्रे कलर यहाँ शो हो रहा है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसे कैसे हमने किया। विजिबिलिटी ग्राफिक्स में हम जाएंगे एंड गो टू द वॉल्स, वॉल्स में आपके पास यहाँ लाइंस एंड पैटर्न्स है, ठीक है आपको पैटर्न्स में जाना है, पैटर्न में आपको फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करनी है, उसमें सॉलिड फिल सेलेक्ट करना है, सॉलिड फिल में जाके आपको ग्रे कलर सेलेक्ट करनी है, प्रेस ओके एंड अप्लाई इट, एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे ये अप्लाई हो चुकी है। एंड नाउ लेट्स चेक दिस थिंग, आई थिंक व्हाट वी आर मिसिंग ओवर हियर इज इन डेमो, अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में जाते हैं डेमो में जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे ऊपर में 3D में कुछ भी कलर्स में विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रही, सो लेट्स सेलेक्ट इट एज डेमो, यहाँ पे हमारे पास कलर्स में ये पार्ट्स हो रही है एकदम, एंड
इस पार्ट को मैं अगर शो करा दे रहा हूँ एंड इससे मैं डेमो में डिमोलिश करता हूँ, डिमोलिश डन, न्यू कंस्ट्रक्शन एंड यहाँ पे हमारे पास फिर भी अब कलर फील्ड नहीं आ रही है, वी हैव टू चेंज इट वंस अगेन। लेट मी चेक अगर कोई ऑप्शन से हम इसे चेंज कर सकते हैं तो। कट पैटर्न ओवरराइड, दिस इज फॉर द लाइंस, दिस इज फॉर द 2D। ओके लेट मी जस्ट चेंज इट्स पैटर्न टू, एक्चुअली आई हैव टू चेक, एक्चुअली मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये शो क्यों नहीं हो रहा है। के कलर ओवरराइड, मैं रेड कर देता हूँ यहाँ पे, ट्राई करके देखते हैं इसे। ओके स्टिल वी आर नॉट गेटिंग दैट। ओके मैं इसे आपको कल जरूर बता दूंगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने जब अपने फेजेस में किया है ऐसा, तो हम कुछ भी डिमोलिश करते हैं अगर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ही आपको दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे एक विंडो क्रिएट करता हूँ, विंडो एंड देन यहाँ पे हमने एक विंडो क्रिएट किया है एंड नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है इन न्यू कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमारे पास जी प्रपोज्ड है, दैट इज़ न्यू कंस्ट्रक्शन एंड अगर हम इसे डेमो में डाल देते हैं, ओके नो वी हैव टू पुट इट इन एग्जिस्टिंग, एक्चुअली फेस क्रिएटेड एग्जिस्टिंग एंड फेस डिमोलिस इज द न्यू कंस्ट्रक्शन एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास जो कलर फील्ड है, अगर हम 3D में भी जाएँ तो यहाँ पे कलर फिल, दिस इज द डेमो, वी हैव टू गो टू जी प्रपोज्ड एंड दिस ऑल्सो डजंट शो दैट एक्चुअली, बट ऐसा तो नहीं होता था। ओके आई विल टेल यू दैट टुमारो कैसे होता है वो, मुझे खुद भी चेक करना होगा, ठीक है। सो राइट नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे थोड़ी बहुत तो आप लोगों को फेजेस समझ में आई होगी एंड जिन्हें नहीं आई है यू कैन जस्ट वॉच माई वीडियो वंस अगेन, मैं इसे अपलोड कर दूंगा एंड इसके बाद हमें फेजेस में और क्या करना होता है। आई थिंक कि सिर्फ हमें ये जो पार्ट है, पोर्शन है, वो सिर्फ 2D में ही हम शो कराते हैं, 3D में आई थिंक कि पूरा पार्ट शो करा देते हैं हमेशा। ओके लेट्स जस्ट लीव दैट एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज ये हमने एक नाउ यू कैन सी कि हमने एक छोटी सी यहाँ पे टेम्पलेट बनाई है। सो अगर आप इस पूरी पार्ट को डिलीट कर दें एंड अगर आप इसे अपनी टेम्पलेट की तरह सेव कर लें, अगर आप यहाँ पे सेव पे जाते हैं एंड देन सेव एज, यू हैव एन ऑप्शन दैट इज टेम्पलेट, आपको सभी चीज़ें डिलीट कर देनी है, यू कैन सेव इट एज टेम्पलेट, आप की जो भी चीज़ें इस प्रोजेक्ट में आपने बनाई है वो एज अ टेम्पलेट सेव हो जाएगी। सो नेक्स्ट टाइम आपको कुछ ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से दिखेंगी, दैट इज एग्जिस्टिंग डेमो एंड न्यू कंस्ट्रक्शन एंड अगर मान लें आपको यहाँ पे अब न्यू लेवल चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे अभी हमारे पास दो ही लेवल है, हमें जो फेजेस में काम करना होता है तो हमारे पास चार पांच लेवल्स होती हैं। सो यू कैन गो टू एलिवेशन एंड नाउ यू हैव द एलिवेशन दैट इज इन न्यू कंस्ट्रक्शन, इन चारों एलिवेशन को आप सेलेक्ट करें एंड पुट इट इन द एग्जिस्टिंग फेस। ये देखें ये सारी चीज़ें एग्जिस्टिंग फेज में आ चुकी है। नाउ यू हैव टू डू वन थिंग दैट इज यू हैव टू कॉपी इट वन बाई वन, ठीक है, आप इसे बाद में इसे कॉपी करा सकते हैं एंड मान लें कि आपके पास लेवल 2 है, आपको यहाँ लेवल 3 चाहिए, तो मैं किसी भी एक लेवल में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने एल क्लिक किया एंड नाउ हेयर यू कैन मेक यू 4000 ऑफसेट, 4000 ऑफसेट, ओके 4000 एंड हमने यहाँ पे एक न्यू लेवल क्रिएट कर दिया, दो लेवल हमने क्रिएट करा दिए और एक मैं नीचे बेसमेंट लेवल पर बना देता हूँ। सो एल एल सेलेक्टेड पुट इट एज 2000 एंड देन हेयर, सो नाउ वी हैव समथिंग लाइक 1 2 3 4 लेवल, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं इसे, अब हम जाते हैं लेवल 1 पे, यहाँ पे एक फ्लोर बना देते हैं, फ्लोर एंड देन जस्ट क्लोज इट अप, ठीक है, एंड पिक लाइंस, पिक 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 डन एंड देन ट्रिम इट, ट्रिम दिस पार्ट, ट्रिम दिस पार्ट, ट्रिम दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट
एंड दिस इज़ द लास्ट वन, इसे हमने ट्रिम करा दिया। नाउ वी वांट समथिंग कि हमारे बेसमेंट में हो, सो वी जस्ट मेड अ बेसमेंट प्लान। इसकी जो नेमिंग है आपको यहाँ पे चेक करनी होगी। सो जो बेसमेंट है हमारे पास यहाँ पे लेवल 5 लिखा हुआ है, इसे हम लिख देते हैं जीरो बेसमेंट बेस। ठीक, ये हमारे आगे लेवल 1 जो है हमारे पास है वो ग्राउंड फ्लोर लेवल, तो हम इसे कर देते हैं लेवल 1। यहाँ से रीनेम आप दोनों जगह से कर सकते हैं। सो यहाँ से रीनेम करता हूँ इसे एंड राइट इट एज 1 ग्राउंड फ्लोर। देन यस आई वांट टू रीनेम इट एज दैट। देन वी हैव द लेवल 2 एंड लेवल 2 हमारी जो शो हो रही है वो न्यू कंस्ट्रक्शन में हो रही है। सो जस्ट सेलेक्ट इट, पुट इट इन एग्जिस्टिंग फेज। ये हमारी एग्जिस्टिंग फेज में आ गई है। चेंज इट्स नेम बैक टू फर्स्ट फ्लोर एंड देन वी हैव द लॉफ्ट LF, or you can just write it as loft, and then we have the roof. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम चाहते हैं कि इस पोर्शन को हम कवर कर दें। सो जस्ट सेलेक्ट योर फ्लो, ये आप लोग को पहले से मैंने बताया, इसे आप सेलेक्ट करें, कॉपी पेस्ट, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल एंड अलाइन टू, ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे आएगी। सो फर्स्ट फ्लोर पे इसे हमने डाल दिया। ठीक है, सेलेक्टेड आप एडिट बाउंड्री पर क्लिक करेंगे एंड प्रेस ओके, आपके पास एक ऑप्शन आएगी, मेरे पास नहीं आने वाली है क्योंकि उस दिन हमने नो किया था, उसके बाद हमें ऑप्शन वापस से मिली नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द वॉल्स वन बाय वन, सेलेक्ट इन चेन। एक्चुअली यहाँ से हमने इसे चेन में सेलेक्ट किया, अटैच इसके साथ हमने टॉप के साथ अटैच कर दिया। ये न्यू कंस्ट्रक्शन में इसे भी हमें एग्जिस्टिंग में डालना है। सेलेक्ट ऑल दिस, अटैच टॉप बेस, सेलेक्ट। ठीक है, अब हमें जो करना है वो, अच्छा ये सारी वॉल्स भी नहीं हुई है। ओके, सो नाउ दैट आई हैव अटैच्ड एवरीथिंग, अब हम मान लेते हैं हमने कुछ यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में बनाया है, एक स्टेयर बनाया जो कि फर्स्ट फ्लोर तक जाती है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट मेक अ स्टेयर लाइक दिस, ये फर्स्ट फ्लोर तक गई हमारी स्टेयर। यहाँ पे हम एक डोर बना देते हैं जस्ट इसके सामने। सो यहाँ पे हमें एक ओपन एरिया रखना होगा एंड देन वी आर गोइंग टू डिमोलिश दिस स्टेयर। फिनिश, ये हमारी ओपन एरिया होगी, यहाँ से हमारे पास जाती है ये, और इसे हम यहाँ से अटैच करा देते हैं। हम सारी नीचे की जो वॉल्स है एक बार में सेलेक्ट कर लेते हैं, बाहर वाली वॉल्स, और इसी सेम वॉल को ऊपर कॉपी करा देते हैं। ठीक है, सो लेट्स सेलेक्टेड जितनी भी हमारी आउटर वॉल्स हैं, आउटर वॉल, और यू कैन जस्ट सेलेक्ट एवरीथिंग, गो टू फिल्टर, सेलेक्ट योर वॉल्स, प्रेस ओके, कॉपी, अलाइन, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, फर्स्ट फ्लोर, डन। आप जाए फर्स्ट फ्लोर पे एंड नाउ यू हैव द सेम लेवल। ठीक है, कुछ इस तरह से आगे यहाँ पे हमारे पास ये वॉल नहीं होगी। ठीक है, नाउ वी वॉन्ट कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है कि उन्हें पुरानी स्टेयर में तोड़नी है। सो यू कैन जस्ट डिमोलिश इट एंड नाउ यू कैन सी कि इसकी जो डिमोलिशन का, ओके एज यू कैन सी ये जो हमारे पास डिमोलिशन हुई है, ये जो हो रही है अभी, ये टेम्प्ररी फेज में हो रही है क्योंकि हमने जिस फेज में इसे बनाया है उसी में हमने इसे डिमोलिश किया। ठीक है, आप इसकी भी कलर चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इफ्रा लाइक टू डज दिस लाइक दिस, वो इसी तरह करती हैं, वो क्या करती हैं कि एग्जिस्टिंग में ही चीज़ें बनाती हैं एंड एग्जिस्टिंग में ही उसे डिमोलिश करती है एंड देन सी जस्ट मेक अ न्यू फेज दैट इज़ न्यू कंस्ट्रक्शन। एंड उस न्यू कंस्ट्रक्शन में उन्हें सिर्फ ये दिखाना होता है कि क्या नई चीज़ें बनी हैं। ठीक है, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम जो इसे डिमोलिश करेंगे, यहाँ पे फेज डिमोलिशन में जाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डिमोलिश इट इन डेमो फेज एंड सो नाउ वी हैव दिस स्टीयर करेक्ट इन दिस फेज। आपको अगर डेमो में जाते हैं, नाउ यू डोंट हैव दैट, ये अगर हमने जितनी भी यहाँ फ्लोर बनाई है यहाँ पे हमारे पास फ्लोर्स नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास सारी जो चीज़ें हैं इसमें भी आ जाए और न्यू कंस्ट्रक्शन में भी ये सारी लेवल्स हो। एनीवन? ओके, दिस इज वन, ओके लेट मी जस्ट डिलीट दिस बोथ। एक्चुअली हमने पूरी तरह से डिलीट कर दिया, हमारे पास अब ना डेमो में कोई फ्लोर प्लान है ना फिर ना ही न्यू कंस्ट्रक्शन में कोई फ्लोर प्लान है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ जो फ्लोर प्लान है वो एग्जिस्टिंग फेज में है। सो इफ़ यू वांट कि ये वाली जो फ्लोर प्लान है, ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था आपको डुप्लीकेट करना होता है इसे, आपने डुप्लीकेट किया
एंड नाउ यू कैन सी इसकी नेम यहाँ पे आपको देनी होगी. सो जस्ट राइट इट्स नेम एज वन ग्राउंड फ्लोर डेमो एंड अगेन यू हैव टू डुप्लीकेट इट. डुप्लीकेटेड डिटेलिंग एंड डिटेलिंग में डुप्लीकेट करने के बाद आप इसके रीनेम कर दें इसे न्यू. ठीक है. और नाउ यू हैव जस्ट टू फेजेस ओवर हियर एंड ये अभी हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं एग्जिस्टिंग में. एंड नाउ यू कैन सी कि तीनों चीज़ें एक ही में नज़र आ रही हैं, एक ही जैसी नज़र आ रही हैं. सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट योर ग्राउंड फ्लोर डेमो एंड यहाँ फेज में जाएंगे और इसे अगर हम मुझे डेमो में डालना है देन यू विल हैव टू सेलेक्ट द डेमो. एंड नाउ यू कैन सी कि ये डेमो में आ गई. अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन दैट इज़ न्यू. यहाँ पे हम जाएंगे न्यू में डाल देंगे एंड नाउ वी हैव दिस सेम थिंग इन द न्यू कंस्ट्रक्शन. ठीक है. एंड न्यू कंस्ट्रक्शन में ये जो फेस फिल्टर है आप इसे हमेशा चेंज करें अपने हिसाब से. सो जस्ट पुट इट टू न्यू इट एंड डेमो में जाएं सेलेक्टेड एंड देन न्यू. ओके यस नाउ आई रिमेम्बर कि ये 3D में क्यों कलर शो नहीं हो रही है. सो एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत क्या है हमारे साथ ये देखें. जैसे कि हमने यहाँ पे एक मैं एक बड़ी विंडो बना लेता हूँ. ये हमारी विंडो बन गई. हम डेमो में जाते हैं. ये हमारी यहाँ पे इसे हमने डिमोलिश करा दिया. ठीक है. यहाँ पे तो कलर शो हो रही है दैट इज़ द ब्राउन कलर. एंड न्यू में हम जाते हैं वी हैव दी दिस पार्ट. और अगर आप यहाँ पे कलर शो कराना चाहते हैं तो आप मैनेज में जाएंगे फेजेस में जाएंगे. फेजेस में जाने का तो आपको जाना है ग्राफिक ओवरराइड. और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यू है यहाँ पे हमने इसकी जो मटेरियल है हमारे पास अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करें देन इट विल बी समथिंग अ डिफॉल्ट मटेरियल दैट इज़ फेज न्यू. ये देखें ये हमारी जो मटेरियल है वो ग्रे कलर की है. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज इट गो टू अपियरेंस एंड यहाँ पे आपको जो भी कलर चाहिए. सो हमारी न्यू कंस्ट्रक्शन की जो कलर है वो है 186. ओके 155 86 एंड 54. ओके अप्लाई अप्लाई. ओके अप्लाई. एंड हमारे पास यहाँ पे डेमो में जो है ये वाले पार्ट जो है अगर हम लोग 3D में जाते हैं एंड देन आई गो टू न्यू कंस्ट्रक्शन दैट इज द न्यू एंड लेट्स जस्ट चेक इट वेयर इज दैट. अभी भी ये शो नहीं हो रही है. अगेन लेट मी चेक इट ग्राफिक ओवरराइड फेज न्यू सिलेंडर अपियरेंस अपियरेंस. ओके फोरग्राउंड टू सॉलिड फिल टू लेट मी डू इट एज रेड राइट नाउ. अप्लाई अप्लाई. ओके ओके स्टिल इट इज नॉट सोइंग. मुझे लगा कि यहाँ पे कलर चेंज करने से हो जाना चाहिए था. दिस इज फॉर पैटर्न इट इज फॉर 3D प्रोजेक्टर सरफेस. दिस इज नॉट गोना वर्क. मुझे कुछ और ट्राई आउट करना पड़ेगा. एंड ओके अब मुझे इसे फिर से देखना ही पड़ेगा. अब क्यों नहीं हो रहा है. आई थॉट कि इस तरह हो जाना चाहिए था क्योंकि फेजेस में इसकी जो कलर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे पहले डिफॉल्ट कलर में रहती है. सो अगर हम यहाँ से इसे चेंज करा सकते तो मे बी इट वुड हैव वर्क्ड फॉर अस. लेट मी चेंज इट टू कट पैटर्न. कट पैटर्न में हमारे पास रेड में शो हो रहा है नॉट येट. फेजेस ओके मुझे ये ओवररिडन इज ऑल राइट. ओके सो आई थिंक कि मुझे अभी भी ये शो नहीं हो रहा है. सो जब तक मैं इसे ढूंढ ना लूँ कि ये क्यों नहीं हो रहा है तब तक मुझे ये परेशान करता रहेगा. ओके लेट्स जस्ट लीव दैट फॉर नाउ. ओके सो नाउ यू हैव द ग्राउंड फ्लोर. यू हैव टू चेंज द फर्स्ट फ्लोर. इट्स की नेमिंग जो है इसे हम कर देते हैं टू फर्स्ट फ्लोर एंड देन यस आई वॉन्ट टू नेम द चेंज द कॉरस्पॉन्डिंग सेलेक्टेड डुप्लीकेटेड एंड डुप्लीकेटेड विथ डिटेलिंग. यहाँ पे आपको इसकी एक और कॉपी बना लें. सो आई जस्ट मेड टू कॉपी. इसे हम एक डेमो में डाल देते हैं और एक न्यू में डाल देंगे. एंड वाई वी आर डूइंग दिस इज
एंड न्यू में डाल देते हैं, हमने न्यू में इसे कर दिया। एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो यहाँ पे ये कलर्स हैं ये सभी में, सिर्फ इसमें आई है ग्रे में, एंड इन सभी फेजेस में जो है ग्रे में नहीं आई है। सो हमें क्या करना होगा, यू कैन जस्ट गो टू द ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे आप चाहें VG इज़ ए शॉर्टकट फॉर विजिबिलिटी ग्राफिक्स, ओके नॉट विजिबिलिटी ग्राफिक्स, यू हैव टू गो टू मैनेज। मैनेज में जाने के बाद आप जाएंगे व्यू में, व्यू में जाने के बाद आप जाएंगे टेम्पलेट में, एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट फ्रॉम द करेंट व्यू। ठीक है, आप यहाँ से एक अपनी टेम्पलेट बना लें, एंड इसकी आप कुछ भी नेमिंग रख सकते हैं, आप अपने नाम पे रख लें, आप रेवाइट के नाम पे रख लें। सो आई एम जस्ट मेकिंग इट एज रेवाइट, प्रेस ओके, एंड नाउ यू हैव अ टेम्पलेट एज रेवाइट ग्राफिक ओवरराइड। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास वॉल की जो कट पैटर्न यहाँ पे पैटर्न में है ये कुछ इस तरह से आ चुकी है। ठीक है, सो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, अगर हम जैसे कि अब अगर हम कोई भी स्टैक वॉल, हम मैंने आपको एक स्टैक वॉल दिखाई थी, ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक स्टैक वॉल बनाई, अगर हम इसके फाइन में जाते हैं सो यू कैन नॉट सी द पैटर्न इनसाइड इट। ठीक है, तो अगर आप इसकी पैटर्न देखना चाहते हैं तो यू विल हैव टू रिमूव दिस पैटर्न ऑफ हियर। ठीक है, इसे आप रिमूव करेंगे तो ये शो करने लगेगा पुराने जैसा। सो जस्ट रिमूव इट, ओके अप्लाई, एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमें पैटर्न शो होने लगा है। सो वी आर जस्ट गोइंग बैक एंड अगेन सॉलिड फिल टू द ग्रे कलर, प्रेस ओके, अप्लाई अप्लाई, ओके वी जी इज दैट कट पैटर्न, एंड नाउ यू कैन सी कि हमने यहाँ पे इसकी जो पैटर्न है सॉलिड फिल्स की जगह अगली वाली सेलेक्ट कर लिया। सो जस्ट सेलेक्ट इट एज सॉलिड फिल, प्रेस ओके, प्रेस ओके, एंड नाउ यू हैव दिस पैटर्न। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये जो पैटर्न है सेम पैटर्न वी हैव टू अप्लाई इट टू ऑल द व्यूज। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यू जस्ट गो टू द फर्स्ट फ्लोर, यू गो टू व्यू टेम्पलेट, एंड देन यहाँ पे हमारे पास है मैनेज टेम्पलेट, एंड नाउ वी हैव द ऑप्शन ऑफ रेवाइट, प्रेस ओके, ओके नॉट फ्रॉम हियर, वेयर इज दैट ऑप्शन, टेम्पलेट यहाँ पे आप सेलेक्ट करें रेवाइट, एंड यहाँ पे आप चाहें तो इसके कोई भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप इसकी कोई भी प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखें हम जो स्केल यूज़ करते हैं वो होता है 1:50। सो 1:50 हमने कर लिया यहाँ पे, एंड राइट हमने सेलेक्ट कर रखा है, एंड प्रेस ओके, एंड नाउ यू कैन सी कि सभी जो चीज़ें हैं यहाँ पे सभी 1:50 में आ जानी चाहिए थी, ओके नहीं आई है। सो वी हैव टू अगेन गो टू द इज दैट रिवाइट टेम्पलेट, टेम्पलेट रिवाइट, प्रेस ओके, एंड नाउ यू कैन सी ये 1:50 में आ चुकी है। सो ये जो हमारे पास व्यू स्केल है 1:50 में आ चुकी है, एंड देन ये जो हमारे पास यहाँ पे वॉल्स थी इसकी जो कलर हमने डिफाइन किया है ग्रे कलर वो यहाँ पे आ चुकी है, एंड ये जो हमारे पास डेमो है इसे हम डेमो में डाल देते हैं। सो डेमो, एंड दिस इज द न्यू, सो आप जस्ट कीप इट टू न्यू एंड डन। सो अब आपको एक एक करके सभी में जितनी भी हमारे पास फ्लोर प्लान्स हैं, यहाँ पे हमारे पास वन ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे, अब इसमें अगर आप इसके कलर टेम्पलेट में कलर चेंज करना चाहते हैं जस्ट गो टू द टेम्पलेट, गो टू द वाइट, प्रेस ओके, एंड अगेन वी डोंट हैव दैट वाइट, ओके लेट्स जस्ट गो टू, ये हमारे डेमो फेज में है, एंड टेम्पलेट इज वाइट, दिस इज फाइन, द कलर पैटर्न इज ऑल्सो फाइन हियर। सो वॉट इज टू वी नीड टू डू, ओके लेट्स गो टू मैनेज फेस, फेस ओवर राइट, एंड डेमो में हमने इसे शो कराना था बट ये नहीं हो रहा, ओके लेट्स गो टू द वॉल ओवर राइट बाई एलिमेंट कर सकते हैं हम, या फिर वीजी में जा सकते हैं, लेट मी ट्राई वंस अगेन इसके लिए, ओके लेट्स जस्ट रिमूव दिस रेवाइट टेम्पलेट, गो टू नन, प्रेस ओके, सेलेक्ट इट एच आर, गेट इट बैक, एंड देन हमें इस वॉल को ये हाफ टोन क्यों नजर आ रहा है मुझे, मैनेज डेमो की जो कलर है दैट इज ऑल राइट, नो आई डोंट वांट टू चेंज इट, वीजी इज द ग्राफिक्स वॉल्स पैटर्न्स स्टिल इट डजंट शो अप बैकग्राउंड, ओके ओके सो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड में इसकी
कलर जो है अगर हम इसे चेंज करते हैं, प्रेस ओके ओके एंड ओके, इट स्टिल लुक्स लाइक कि ये हाफ टोन्ड है। ओके नहीं, अब नहीं दिख रही है, लेट मी चेक। फर्स्ट फ्लोर डेमो, ओके आई थिंक कि अब मुझे भी एक बार फेस खुद से देखना पड़ेगा, देन मैं आपको अच्छी तरह से बता पाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब इसे बनाया था तो इट हैज़ बीन लाइक, मैंने अक्टूबर के मंथ में ज्वाइनिंग की है एंड नवंबर में मैंने इसे बनाया है। नवंबर के बाद मैंने इन सारे ऑप्शन को कभी खुद से देखा नहीं है। सो आई जस्ट मेड इट वंस एंड फॉर ऑल। सो एक बार बनाने के बाद हमने उसे देखा नहीं है मैंने। सो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार खुद से सारी चीज़ों को देखता हूँ एंड देन वी विल वर्क ऑन दिस सेम प्रोजेक्ट जिस पर हम काम कर रहे हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो जो भी चीज़ें हमने बनाई हैं इन सभी को डिलीट करके वी जस्ट मेक अ टेम्पलेट फ्रॉम दिस वन। एंड इसमें हम जिस भी तरह की वॉल्स एंड कुछ भी अगर हम बनाते हैं, अगर हम यहाँ पे, तो वो सारी वॉल्स सेव हो जाती हैं हमारे लिए। सो हम मान लेते हैं यहाँ पे 200 mm वॉल है, मैंने एडिट किया, डुप्लीकेट किया एंड जेनरिक पे जाते हैं। 100 mm, 100 mm और 120 mm या 125 mm, आपको जो भी चाहिए यहाँ पे आप इसकी रीनेमिंग कर दें। मैं सिर्फ एक वॉल की एग्जांपल आपको आज दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे 125 mm हमने कर दिया बाई कैटेगरी, यू कैन इवन चेंज द मटेरियल ऑफ इट, प्रेस ओके एंड ओके एंड नाउ वी हैव 120 mm वॉल ओवर हियर। सो ये वॉल की साइज 120 ही मैंने ली है, इट्स 125, सो रीनेम इट टू 125, प्रेस ओके ओके एंड नाउ यू हैव अ न्यू वॉल। एंड ये हमने कहाँ बनाया, ये हमने डेमो में बनाया। सो आई थिंक कि न्यू कंस्ट्रक्शन में हम जाते हैं, तो इट इज़ नॉट सोइंग दैट। यहाँ पे हमने फेस, न्यू कंस्ट्रक्शन, न्यू कंस्ट्रक्शन, ओके दिस इज इट फॉर द डिमोलिश्ड वन, फेस क्रिएटेड इन डेमो, फेस डिमोलिश्ड नन एंड यहाँ पे हमारी कलर विजुअलाइज नहीं हो रही है। ग्राउंड फ्लोर के लिए हो रही है, फर्स्ट फ्लोर के लिए नहीं हो रही है। ओके आई विल चेक दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं कल आपको पक्का बता दूंगा क्या हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। एंड फॉर नाउ अगर हमने यहाँ पे जो भी अभी बनाया है, मैं सिर्फ अभी इसे ग्राउंड फ्लोर तक ही रखता हूँ क्योंकि हमारी ऊपर वाली जो इतनी भी चीज़ें हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही हमारी। सो मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ। ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर हमने सभी जगह डिलीट कर दिया। ओके एंड नाउ अगर आप देखें, मैं क्या करता हूँ, मैं इन सभी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ एंड नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग इन दिस प्रोजेक्ट। अगर कुछ है तो आप इसे डिलीट कर दें। नाउ वी हैव एन एम्प्टी प्रोजेक्ट, ठीक है। आप यहाँ पे जाएँ फाइल पे, फाइल पे जाने के बाद आप जाएँ एक्सपोर्ट, नॉट एक्सपोर्ट, सेव एज, सेव एज ए टेम्पलेट एंड यहाँ पे हम जाते हैं फाइल्स में, यहाँ पे आप कहीं भी इसे सेव कर लें। तो मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग में वैसे लिख देता हूँ अधूरा टेम्पलेट, अधूरा टेम्पलेट, ओके एंड जस्ट प्रेस इट एज वन, सेव इट ऑलवेज एज वन। आप इसकी कोई भी, जो भी शीट में आप इसकी कलर दिखाना चाहते हैं एज ए थंबनेल आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आई डोंट वांट एनीथिंग, जो जैसा है वैसा ही हम रहने देते हैं एंड प्रेस ओके एंड देन जस्ट सेव इट एज टेम्पलेट फाइल। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्मेट में सेव हो रहा है वो है RTE, ये हो गया हमारा सेव, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इसे क्लोज करा देते हैं। ये हमने क्लोज करा दिया, गो टू न्यू, न्यू में जाने के बाद आप जाएं यहाँ पे, अब हमारे पास टेम्पलेट फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। सो आप यहाँ पे ब्राउज पे जाएं एंड अभी हमने इसे सेव किया है कहाँ पे, फाइल्स में, ट्रेनिंग में, और ये रहा हमारा अधूरा टेम्पलेट, हमने इसे सेलेक्ट किया, प्रेस ओके एंड ओके। अब क्या होगा, अब हमारे पास ये देखिए, हमने जितनी भी चीज़ें बनाई थी पुरानी टेम्पलेट में वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। एंड अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास पहले फेजेस में अलग कलर थी, हमने जो भी अभी प्रोवाइड कराया है वो सारी चीज़ें अब इसमें आ चुकी है। सो इफ़ आई गो टू ग्राउंड फ्लोर, ओके वी डिडंट डिलीट दिस थिंग्स, ये सभी चीज़ें आप एक बार देख लें, सभी चीज़ों को ध्यान से डिलीट कर दें, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, अब हम यहाँ पे एक वॉल बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने एक वॉल बनाया, दिस पार्ट, दिस पार्ट, एक फ्लोर प्लान वॉल, ये एक नॉर्मल सा फ्लोर प्लान,
बन गया डोर। ठीक है, हम गए यहाँ पे अपनी डेमो में, हमने इसे कर दिया डिमोलिश एंड डिमोलिश। यहाँ पे हमने इसकी फेस फिल्टर तो सही लगा के रखी है, डेमो इज ऑल राइट। ओके, डिमोलिश करने से अच्छा है कि आप यहाँ सेलेक्ट करें एंड देन फेस क्रिएटर इज एग्जिस्टिंग एंड फेस डिमोलिश इज डेमो। और स्टिल डजंट शो अप, तो ऐसे तो हमारी जितनी भी सेटिंग हमने करके रखी थी लास्ट टेम्पलेट में वो शो होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन वाली शो हो रही है। सो लेट मी गो टू डेमो, सेलेक्ट आवर डेमो, सेलेक्टेड। ओह यस, सो हमारा यहाँ फेस फिल्टर ऑन था। नाउ यू कैन सी कि अब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। सो हमने यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे एक फैन बनाया, डेमो में इसे डिमोलिश किया, एंड अगर आप न्यू कंस्ट्रक्शन में जाएं तो ये जो पार्ट हमने डिमोलिश किया है यहाँ पे ये गायब हो चुका है। सो इफ़ यू वांट कि ये वाली वॉल भी चली जाए, सो आपको इसे सेलेक्ट करना है, गो टू डेमो फेस, सेलेक्ट दिस वॉल, आधी हम इसे उड़ाते हैं। सो ये एक छोटी सी बेसिक्स थी जो हम क्या कैसे करते हैं डेमो ये फेज में काम। सो नाउ यू कैन सी हमने इसे डिमोलिश कर दिया है, गो टू न्यू एंड नाउ यू कैन सी कि ये डिमोलिश हो चुकी है। हमने यहाँ पे एक नीब छोड़ दिया, ये नीब की साइज जो भी हो यू कैन जस्ट चेक इट, 200 mm। सो दिस वॉज अ स्मॉल ओवरव्यू कि हम कैसे काम करते हैं फेजेस में। ठीक है, एंड जितनी भी चीज़ें आज नहीं हो पाई मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसे हम बना लें, एंड वी हैव डिलीटेड ऑल द थिंग्स इन द लास्ट प्रोजेक्ट। सो अब हमें फिर से कल बनाना पड़ेगा उन सभी चीज़ों को, बिकॉज हमने टेम्पलेट बनाने के लिए सभी चीज़ों को डिलीट कर दिया। ठीक है, बट ये देखें आप कि हम अभी जो भी अब बना रहे हैं, हमने ग्राउंड फ्लोर में जितनी भी सेटिंग्स की हैं वो सारी सेटिंग्स इसमें अप्लाई हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह करके हम 4-5 फ्लोर बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4-5 फ्लोर बनाने के बाद सारी की एक कॉपी बनाते हैं या 2 कॉपी बनाते हैं, एंड वन इज देन सेंडेड टू द डेमो एंड अदर वन इज सेंड टू द न्यू कंस्ट्रक्शन। आपको यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करके इसकी यहाँ से फेज चेंज करनी होती है। ठीक है, एग्जिस्टिंग की जगह आप यहाँ न्यू कंस्ट्रक्शन या डेमो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नॉर्मल फेजिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आपको, और जो चीज़ें मैं नहीं बता पाया हूँ वो मैं आपको कल पक्का बता दूंगा। एंड एनी थिंग एल्स इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क मी एनी वन। क्या बोला आपने, मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं, सौरभ क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन असल में ये इंटरनेट बड़ा मसला कर रहा था, तो हमने इसको दोबारा देखना होगा, उसके बाद हाँ, ही उसके लिए आप टेंशन समझ ना ले, मैं आएंगे। थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। एंड ऑल्सो आई हैव टू सेंड यू द फैमिलीज फाइल्स। मैं लास्ट सेशन के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों का सेशन ले सकूं। सो आई विल गेट बोथ द थिंग्स टुडे, वीडियो तो आपको मिल ही जाएगी, एंड यू विल ऑल्सो गेट दी विंडो एंड डोर फैमिलीज एंड एक्स्ट्रा जो भी मेरे पास फैमिलीज है मैं ट्राई करूँगा कि आज ही अपलोड कर लूँ। ठीक है, सो और अगर आप ठीक लोगों को नेट कनेक्शन प्रॉब्लम है यू कैन जस्ट वॉच री वॉच इट। ठीक है, ओके, एंड एनी वन एल्स? ओके, सो आई जस्ट एंड दिस सेशन ओवर हियर, एंड हम मिलते हैं शायद कल या मे बी नेक्स्ट डे। आई डोंट नो कि अब मुझे कब टाइम मिलेगा, बट मुझे जब भी टाइम मिलेगा आई विल बी देयर। सो आपको थोड़ी बहुत जो भी आज समझ में आई आई होगी फेजेस से रिलेटेड चीज़ें आप उन्हें ट्राई करके देखें। ठीक है, एंड ट्राई टू अप्लाई इट टू अदर फ्लोर ऑल्सो, मैं भी करके देखता हूँ कि ये काम क्यों नहीं कर रही थी, एंड आई विल कम विद बैक विद द आंसर्स टुमारो। ठीक है, सो आई जस्ट एंड दिस सेशन ओवर हियर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सौरभ। ओके।